नेम प्लेट पर पत्रकार ने पूछा सवाल, गुस्से से तिलमिलाए पुलिसकर्मी, गुस्से में पत्रकार को जड़ा थप्पड़। नेम प्लेट नहीं है, नेम प्लेट लगाने का अधिकार नहीं है क्या? अधिकार बताइए, नेम प्लेट क्यों नहीं लगाया? ऐसे हम कैसे मानेंगे? सुनो पहले, तो उनका भी तो नाम जानना चाहिए, उनका भी मेरा नेम प्लेट देखो ना। तो आप क्यों नहीं लगाए, किस रीजन से नहीं लगाए? क्या रीजन बताइए ना, रीजन हमको बताइए। सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जो लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह से वर्दी पहने पुलिसकर्मी ने एक पत्रकार को थप्पड़ मारा है। दरअसल भारतीय पुलिस अधिकारियों को ड्यूटी के दौरान अपना नाम और पद दर्शाना, बैज पहनना अनिवार्य होता है। ऐसा करने से जवाबदेही, जनता का विश्वास और पहचान बढ़ती है। इसलिए जब एक व्यक्ति ने एक पुलिसकर्मी को देखा जो अपना नाम बैज नहीं पहने हुए था, तो उसने इसके बारे में उससे पूछा। फिर जो कुछ हुआ वो चौंकाने वाला और अनएक्सपेक्टेड था। पुलिसकर्मी ने पत्रकार को थप्पड़ मारा और उसे गालियां भी दी। आपको बता दें कि एक्स पर शेयर किए गए एक वीडियो में एक कैप्शन भी लिखा गया। कैप्शन में लिखा कि साहब से नेम प्लेट के बारे में पूछा तो कान पर पड़ा जोरदार कंटाप। मामला जौनपुर के सुरेरी थाना क्षेत्र का है। दरअसल वीडियो की शुरुआत में आप देख सकते हैं कि एक आदमी पुलिस वाले से उसका नाम का बैज मांगता हुआ दिखाई दे रहा है और पूछता है कि क्या उसे इसे पहनने का अधिकार नहीं है। इस पर पुलिसकर्मी जवाब देता है कि इसे उसे पहनने का पूरा अधिकार है। फिर आगे बढ़ते हुए शख्स ने ये पूछा कि नाम का पट्टा क्यों नहीं लगाया, ऐसे हम कैसे मानेंगे? तो फिर कैमरा दूसरे पुलिसकर्मी की तरफ जाता है जो अपना नाम का बैज देता है। आदमी फिर से पूछता है कि पहला पुलिसकर्मी नाम का बैज क्यों नहीं लगा रहा है और स्पष्टीकरण मांगने लगता है। तो इसी दौरान पुलिसकर्मी अपना आपा खो देता है और उस आदमी को थप्पड़ मार देता है और उसे गालियां भी देना शुरू कर देता है। हालांकि खबर एक्सपर्ट ये सत्यापित नहीं कर सकता कि ये वीडियो कब का और कहां रिकॉर्ड किया गया। वीडियो देखने के बाद एक व्यक्ति ने कहा कि पत्रकार के सवाल का जवाब देने के लिए उस पर हमला करने वाले पुलिस के खिलाफ FIR दर्ज की जानी चाहिए। तो वहीं दूसरे ने कहा कि क्या पुलिस को हाथ उठाने का अधिकार है? अगर ये अज्ञानी लोगों को एक पत्रकार के प्रति ये रवैया है तो आम जनता का क्या होगा? ये सोचने का विषय बन गया है, उनके खिलाफ तत्काल कार्यवाही की जानी चाहिए। ये विष्णु अवतार नहीं है जो किसी पर भी हाथ उठा देंगे। इस मामले को संज्ञान में लेते हुए पुलिस अधीक्षक जौनपुर महोदय द्वारा प्रकरण की जांच पुलिस उपाधीक्षक को सौंपी गई है। जांचोपरांत जांच रिपोर्ट के आधार पर आवश्यक विधिक कार्यवाही भी की जाएगी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि कुछ दिनों से ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिसमें पत्रकारों पर लगातार हमला किया जा रहा है। कल ही एक वीडियो ऐसा वायरल हुआ था जिसमें एक निजी चैनल के पत्रकार पर BJP विधायक का गलत रवैया देखा गया। तो आज एक वीडियो ऐसा वायरल हुआ जिसमें पत्रकार से फिर से बदतमीजी की गई और उस पर थप्पड़ जड़ा गया।